वेलकम टू एलएमपी सेवाज एकेडमी। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में अपना प्रॉब्लम नंबर 11 देखने जा रहे हैं। क्या जो हम लोग सी प्रोग्राम सी लैंग्वेज की हम लोगों ने प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट बना रखी है उसका हम लोग प्रॉब्लम नंबर 11 देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। और आपने और हमने मिलकर बनाई ये चीज ध्यान रखना, तो साथ में पूरी करनी है और साथ देना है और काफी लंबे तक जाने वाले, क्लियर है। तो चलिए, तो प्रॉब्लम नंबर 11 क्या कह रहा है, बोला सी प्रोग्राम टू रीड टू इंटीजर्स एंड स्वैप देयर वैल्यूज। बोला है कि सी का आप एक ऐसा प्रोग्राम बना के दीजिए, तो दो वैल्यू ले इंटीजर से, दो वैल्यू रीड करे या दो वैल्यू ले यूजर से और उनको स्वैप कर दे। स्वैप का मतलब क्या है, जो उसकी टोपी उसकी सर, इसकी टोपी उसके सर, बस इतनी बात। मैं बताता हूं कैसे। जैसे अगर ए की वैल्यू थी 12, क्या थी, ए की वैल्यू थी 12 और एंड बी की वैल्यू थी 14। तो अगर स्वैप कर रहा ना, स्वैप कर रहा, तो ए की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 14, क्योंकि इसकी टोपी इसके सर, बी की टोपी ए के सर, तो 14 हो जाएगी, ठीक है ना। ये मतलब होता है स्वैप। एंड बी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 12 हो जानी चाहिए, क्योंकि ए की टोपी बी के सर आ जाएगी। बस तो बस कुछ नहीं, टोपी इधर की उधर करनी, ये कंसेप्ट हमें देना है, ये लॉजिक हमें बना के देना। तो मेरे पास क्या है, मैं हर बार कहता हूँ, जैसे मेरे पास यूजर आया है और मेरे से एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहता है कि भैया मैं दो नंबर डालूं, उनकी दोनों की वैल्यू मुझे स्वैप होके मिले, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, तो ये काम मुझे करके देना। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने बेसिक फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, बेसिक हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमारे बेसिक फंक्शन क्या है डिफाइंड हो रखे हैं, ठीक है ना। और वो मैं हर बार करता हूँ, मैंने बताया कि मैं एक बॉयलर प्लेट भी बना के रख सकता हूँ वीएस कोड में, जो जस्ट डायरेक्ट बना के हमें दे देगा, लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को मैं बार बार करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, अब मैंने मेन फंक्शन बना दिया जहां से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चालू करेगा इस प्रॉब्लम नंबर 11.c फाइल का, क्लियर है। चलिए, तो अब क्या है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ यूजर से पहला नंबर, जैसे मैंने ए दिया यहाँ पर, तो ए मैं चाहता हूँ शुरुआत में, तो पहले लेकिन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी एक्शन स्टेटमेंट से पहले। तो क्या क्या यूज करने वाला हूं मैं, एक ए वेरिएबल यूज करना चाहता हूं और एक बी वेरिएबल यूज करना चाहता हूं, क्लियर है, एक ए और एक बी, ठीक है, अभी इतना ही है। चलो अब प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट एफ मैसेज देता हूं मैं यूजर को, भैया एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, जो कि मैं कर दे रहा हूं ए A equal to आप डालिए, क्लियर है, A equal to आप डालिए, ठीक है ना। और उसके बाद उसको जो आप डाल ले उसको स्टोर भी कराना पड़ेगा मुझे, एड्रेस पर रखना पड़ेगा जो मैंने वेरिएबल बनाया, तो परसेंटेज ऑफ D, क्योंकि इन टाइप का आप डाल ले, और किस एड्रेस पे, एड्रेस ऑफ A, कि मुझे A में वो A कंटेनर में मेरे स्टोर करा दो जो मेरे यूजर ने इनपुट दिया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चलिए अब प्रिंट है, फिर से प्रिंट है, मैं बोल रहा हूँ एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, समझ में आ गई बात। वो मैंने क्या किया, बी इक्वल टू बी के बी में रख दिया वो, ठीक है ना। तो अब लेकिन इसको डालना तो पड़ेगा, ये तो मैसेज दिया, अब यूजर जो दे रहा उसको स्टोर भी कराना पड़े, परसेंटेज ऑफ डी लगाया मैंने यहाँ पर, अब किस एड्रेस पे कराना, वो मेरा बी है देखिए, तो मैंने बी पे कर दिया, तो ए और बी में तो वैल्यू मेरी स्टोर हो गई जो मुझे यूजर ने इनपुट करके दिया है। बात समझ, अब मुझे इन दोनों को स्वैप कराना, स्वैप कराने के लिए क्या, यहाँ पर मैं थर्ड वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। दो तरीके होते हैं स्वैप कराने के लिए, या तो एक होता है विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है ना, या विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अभी हम लोग विद यूजिंग देख रहे हैं, आगे विदाउट यूजिंग भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी हम लोग विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक मैं थर्ड वेरिएबल बनाता हूँ, ये बनाता हूँ पहले मैं सी बना लेता हूँ, मान लो एक मैंने सी बना लिया और मैं कुछ यहाँ पर ऐसा काम कर रहा हूँ, देखना पहले देखना, मैं कर रहा हूँ सी असाइन ए, सी असाइन ए का मतलब क्या है, जो भैया ए में वैल्यू थी वो असाइन करवा दो सी में, तो वो सी में आ गई, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, मतलब जो ए में वैल्यू थी वो मेरी सी में आ गई, कोई दिक्कत है। अब मैं क्या करवा रहा हूँ बी असाइन ए, बी असाइन ए का मतलब क्या है, बी असाइन ए का मतलब है मेरा, या नहीं ऐसे करता हूं, ये तो बात वही हो जाएगी, ए असाइन बी, ए असाइन बी, ए असाइन बी करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए में जो मेरी वैल्यू आएगी वो बी की स्टोर हो जाएगी, मतलब ए में मेरी बी की वैल्यू स्टोर हो चुकी और सी में मेरी ए की वैल्यू स्टोर हो चुकी, तो ए का तो काम हो गया, देखिए ए में बी की वैल्यू आ गई जो मैं चाहता था, ए में
बी की वैल्यू 14 थी, ए में आ गई, वो काम तो मेरे इस लाइन से हो गया। अब बी में 12 लाना, वो कैसे आएगा? बी में 12 लाने के लिए मैंने देखिए थर्ड वेरिएबल इसीलिए यूज किया था, सी में ए आ गया है, सी में ए, ओ ए में सी है, सी में ए आ गया, तो सी में ए आ गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी असाइन सी। अब आपका काम देखिए, देखिए यहाँ पर सी असाइन ए, ए में पहले ए की वैल्यू सी में आ गई, वो देखिए मैंने यहाँ उस कर ली, बी में डाल दी, तो बी में डाल गई, तो बी में 12 आ गया और ए में 14 आ गया। बस ये तीन लाइन लिखनी है आपको और काम आपका हो गया। अब आपको क्या डालना, प्रिंट एफ क्या फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट रिवर्स नंबर, फर्स्ट स्वैप नंबर ही, हाँ या फर्स्ट स्वैप, स्वैप नंबर इज a इक्वल टू परसेंटेज ऑफ d और वो a की वैल्यू। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्रिंट एफ और सेकंड स्वैप is b असाइन परसेंटेज ऑफ d और वो मेरी b में आ गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? देखिए काम मेरा हो चुका है, कंट्रोल एस से सेव करूंगा मैं और कोड रनर एक्सटेंशन की मदद से इसको मैं रन करूंगा। एक सेकेंड, क्या दिक्कत है, चलिए रन करता हूं इसको मैं। हाँ बोला एंटर फर्स्ट नंबर ए, मान लो मैंने डाला जो एग्जांपल में लिए 12, ठीक है, और बी डाला मैंने देखिए 14 लिया था, 14, ठीक है, तो बोला फर्स्ट स्वैप नंबर इज ए इक्वल टू 14 है, सेकंड स्वैप नंबर इज बी इक्वल टू 12। देखो स्वैप हो चुका है, यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ बैक स्लैश एन, जिसकी वजह से न्यू लाइन ऑपरेटर लगा देता हूँ, जिससे एक न्यू लाइन मुझे इसके बाद नजर आए। अब देखना है, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, साफ नजर आएगा। अब दोबारा से रन करता हूँ मैं, दोबारा से रन करूंगा, बोला एंटर फर्स्ट नंबर 12, बी डाला मैंने 14 और ये देखिए फर्स्ट स्वैप नंबर इज इक्वल टू 14, बी इक्वल टू, क्या दूसरे नंबर के लिए भी चले भाई? अब कोई भी नंबर आप डाल दो, चलने वाला है, कोई भी नंबर आप डाल दो, जैसे मैंने डाला -219, ठीक है, ए की वैल्यू, और यहां डाली इसकी वैल्यू 90, क्लियर है? तो देखिए ए की वैल्यू आ गई 90 और बी की वैल्यू आ गई -219, क्लियर है? तो हमारा ये प्रोग्राम बनके तैयार आ गया, तो आपको समझ में आ गया, कभी भी हमें दो नंबर को स्वैप करना होगा तो ये लॉजिक में यूज कर सकता हूँ थर्ड वेरिएबल वाला, ठीक है ना। अभी विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी देखेंगे, आप लोग बस इस प्लेलिस्ट के साथ चलते रहिए, मैं कह रहा हूँ ना, हम दोनों मिलके, आप और मैं मिलके इस प्लेलिस्ट को बहुत आगे तक लेके जाने और बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाने। तो अगर आपको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम मिलता है जो मैंने नहीं करवाया और जो आपको लगता है कि हाँ ये बताने लायक है और बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताइए, कमेंट करके मुझे दीजिए, हम उसको जरूर इस प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्लेलिस्ट को आप और हम मिलके बहुत बड़ा करने वाले हैं, जो हर किसी के काम आने वाली है। जो प्रोग्रामिंग में नया नया आता है ना, वो सब बच्चे ये सब प्रोग्राम नहीं देख पाता, वो सब प्रैक्टिस में उसको नहीं मिलते हैं सारे सॉल्यूशन, तो वो चीज हम लोग चाहते हैं कि वो उसको बिल्कुल वीडियो सॉल्यूशन मिले, वो समझे। समझ में आ रही नहीं बारी, ठीक है। तो चलिए, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दो, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।